गाइस, वेलकम टू यूनिक क्लीन चैनल। कैसे हो सब? आई बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये मैंने लुक क्रिएट किया है, लोड़ी मेकअप लुक, और आई होप आपको पसंद आए। तो ये मैंने कैसे किया है मेकअप, तो ज़्यादा ना बातें करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट गेट स्टार्टेड। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन है तो उसे भी प्रेस कर लें, इससे आपको मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की। तब तक के लिए वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं टोनर लगाऊंगी, तो मैं हनी का टोनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये विंटर में मेरी ड्राई स्किन हो गई है, तो मैं हनी का टोनर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले वो टोनर लगाऊंगी, फेस को हाइड्रेट करूँगी। इसके बाद मैं मम्मा अर्थ का सीरम लगा रही हूँ, विटामिन सी का है ये, और ये बहुत अच्छा है, मेरी स्किन पर बहुत अच्छा सूट करता है, तो बाकी आप देख लेना। इसके बाद मैं देख लेते हैं मेरी स्किन पर इतना ठीक हो गई है स्किन। इसके बाद मैं प्राइमर की जगह पे मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है पहले से। तो पहले मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी फेस पे पूरे अच्छी तरह, फिर इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, और अच्छी तरह मेरे एलोवेरा जेल लग गया है, क्योंकि गीला गीला होता है, थोड़ा एक दो मिनट ना छोड़ दिया करो ऐसे। फिर इसके बाद मैं लिप को मॉइस्चराइज करूँगी, तो मैं पर्पल का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं नायका का फाउंडेशन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, नायका का फाउंडेशन मैं ये डैब डैब करके अपनी फिंगर की टिप से आप लगा लूँगी। आप अगर ऐसा हो सकता है, अगर फिंगर किसी नहीं लगाना चाहते हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर पे लगाइए, ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। तो मैं इससे ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह पूरी स्किन पर, जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ देख सकते हैं। और इसके बाद मैं कंसीलर लगाऊँगी, जहाँ पर मुझे कंसीलर करना है, डार्क सर्कल वगैरह सारे कवर करने हैं, तो मैं अच्छी तरह पहले कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का, तो ये मैंने दिखाया था शायद पर्पल होल, तो शायद शेयर किया हो ये भी आई थिंक। तो इसको मैं भी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह, फिर लूज पाउडर से सेट करूँगी। तो अच्छी तरह पहले मैं हाईलाइटर लगा लेती हूँ, हाईलाइटर बोल रही हूँ मैं, कंसीलर लगा लेती हूँ। और मैबलिन फिटमी का ही ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, इससे मैं पूरा सेट कर लूँगी अपने इसको, फाउंडेशन को और कंसीलर को, लॉक हो जाएगा पूरा। और आप फेस वॉश कर लीजिए, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाता, आप जितना मर्जी इसको रब कीजिए, कहीं नहीं आपका मेकअप हिलता है। इसके बाद मैं काउंटोर करूँगी फेस काउंटोर, तो ये मैंने ली है NY की काउंटोर स्टिक, इससे मैं फेस काउंटोर करूँगी। तो मैं अपने फेस को काउंटोर कर लूँगी, इसको भी ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह। जो ये ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना, इसका जो कॉर्नर सा बॉल सा मेरा तो एग की जैसा है, और ये राउंड सा बिल्कुल तीखा सा निकला हुआ ना, वहाँ से मैं ब्लेंड करती हूँ नोज एरिया पे, बाकी चिक पे तो मैं फ्लैट ही करती हूँ, इससे अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है। ये मैंने आईब्रो पेंसिल ली है, शुगर की आईब्रो पेंसिल, इससे अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी, क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत थिन है, तो मुझे थोड़ा सा डार्क करना पड़ता है। तो अगर आपकी डार्क हैं तो हल्का ही आईब्रो पेंसिल यूज़ कर दीजिए। तो अब इसके बाद मैं आई मेकअप की तरफ बढ़ती हूँ। आई मेकअप में मैंने थोड़ा स्मोकी लुक क्रिएट किया है, क्योंकि मेरा ब्लैक आउटफिट है, तो इसलिए ब्लैक सूट पहना हुआ है, तो मैं अपना लोड़ी मेकअप क्रिएट कर रही थी, तो हल्का सा मुझे स्मोकी लुक चाहिए था, इसलिए मैंने काजल पेंसिल यूज़ करी है। आपके पास अगर ब्लैक आई शैडो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और इसके बाद मैंने ब्राउनजर शेड लिया है, ब्राउनजर शेड लिया है, और उसको अच्छी तरह मैं पहले डैप डैप करूँगी, फिर उसके बाद में ब्लेंड करूँगी। तो मेरा आई मेकअप दोनों हो गया है, फॉल आउट हुआ था उसे भी क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं ये डार्लिंग इसाबेला की पिंक शेड है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे को ये मेरी फेवरेट है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आपको जो भी आपको अच्छी लगे वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लगा ली है लिप शेड, इसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। आईलाइनर मैंने ये ब्लू हेवन का लिया है, इससे मैं अपना पतला सा आईलाइनर लगाऊंगी, मोटा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं पूरी पे ब्लैक ब्लैक हो जाऊंगी, क्योंकि ब्लैक सूट है और ब्लैक आई मेकअप है, तो इसलिए मैंने लाइट ही आईलाइनर रखा है, पतला आईलाइनर रखा है। अगर आपको मोटा अच्छा लगता है तो मोटा लगा लीजिए। तो मैं अपना आईलाइनर पहले लगा लूँगी, तो मैंने आईलाइनर लगा लिया है। इसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ, ये मैबलिन मस्कारा है मैबलिने का, तो पहले मस्कारा लगा लूँगी अपनी आईज़ के पास, तो दोनों आईज़ में लगा लेती हूँ।
एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल के तो मस्कारा लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा मस्कारा लगता है। तो मैंने मस्कारा लगा लिया है, इस बार मैं फॉलेसेस बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ इस अभी। और इसके बाद मैं काजल लूँगी, काजल है मेरे पास बेला बॉस्टा का, तो वो काजल लगाऊंगी। और मेरी आंखें देख सकते हैं, इस बार मैं शुगर का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब तो बहुत अच्छा है, मुझे लगा कि मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, आप बताना कैसा लग रहा है। तो अब इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, हाइलाइटर, तो हाइलाइटर यूज़ कर ले रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर चाहिए, आइज़ के बाद, आइज़ इनर कॉर्नर पे, तो मैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी जहाँ मुझे हाइलाइटर चाहिए। इसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे है, मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। और देख सकते हैं मैंने नेकलेस पहन लिया है और इयररिंग्स पहन लिए हैं। इसके बाद मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ, तो इसमें परांदा लगाऊंगी, परांदे की ट्यूटोरियल नहीं डाली है, वो अलग से, अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से डाल दूँगी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, आई होप को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।